देश में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को सुझाव दिया है और कहा है कि देश को कोरोना से बचाने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सकेगा। देश हित को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से कहा कि भारत सरकार को तत्काल हालातों को लेकर समझना चाहिए और देश में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इसके आगे राहुल ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन ही मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके आगे राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, जिसका खामियाजा भारत की जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी अब तक लॉकडाउन को लेकर प्रमुखता से अपनी राय रखते आए हैं। अब एक बार फिर राहुल कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ट्विटर पर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर सरकार को वक्त से पहले ही सजग रहने की सलाह दी है, लेकिन उनकी सलाह सरकार ने नहीं सुनी, जिसको लेकर राहुल ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें राहुल ने कहा कि जब मैं सरकार को सलाह दे रहा था तब ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, काश उस वक्त सरकार ने मेरी सलाह मान ली होती तो आज भारत के लोगों की ये दुर्गति ना होती।